व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू इन द रिएक्शन वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूसीसी के बाद भारत घोषित होगा हिंदू राष्ट्र, क्यों डरे मौलाना। तो वीडियो होगी काफी इंटरेस्टिंग फ्रॉम द चैनल जी न्यूज। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, और आप लोग का पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना, हम भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू वीडियो के बाद बताते हैं। 1 2 3 गो। नमस्कार, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू होने के बाद भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा? क्या कांग्रेस भी अब हिंदू राष्ट्र के समर्थन में आ गई है? और यूसीसी पर चर्चाओं के बीच अचानक सीएम योगी का बयान हिंदू राष्ट्र की ओर कैसे इशारा कर रहा है? इन सारे सवालों के बीच आपको ये भी बताऊंगा कि यूसीसी लागू होने से देश में क्या क्या बदल जाएगा, और मुसलमानों के नाम पर अपनी दुकान चलाने वाले क्यों बिलबिलाए हुए हैं। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग पिछले कई दशकों से चली आ रही है। यूसीसी बीजेपी के मैनिफेस्टो के बड़े वादों में से एक है। पार्टी अपने मैनिफेस्टो में शामिल ज्यादातर बड़े वादों को पूरा कर चुकी है, जिसमें अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू करना, 3 तलाक से छुटकारा दिलाना और कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने जैसे मुद्दे शामिल हैं। पीएम मोदी ने जब से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के संकेत दिए हैं, तब से पूरे देश में इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार आगामी मॉनसून सत्र में यूसीसी का बिल संसद में पेश कर सकती है। मॉनसून सत्र में ही इसे लागू कराने की पूरी तैयारी कर ली गई है। साथ ही राज्यसभा में इसे कैसे पास कराया जाए, इस प्लान पर भी तेजी से काम चल रहा है। यूसीसी के मुद्दे के बीच हिंदू राष्ट्र का मुद्दा भी तूल पकड़ने लगा है। अब सोशल मीडिया पर दावे किए जाने लगे हैं कि यूसीसी लागू होने के बाद भारत हिंदू राष्ट्र भी घोषित होने वाला है। दरअसल भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की चर्चा अब क्यों जोर पकड़ने लगी है, इसके लिए हमें कुछ महीने पीछे जाना होगा, जिससे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के कहीं ना कहीं संकेत मिलते हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का सबसे बड़ा सिग्नल अपनी कट्टर हिंदुत्व छवि के लिए पहचाने जाने वाले और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सीएम योगी के बयानों से मिलता है। सीएम योगी ने सबसे पहले 2017 में हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हुए कहा था कि अगर ये लोगों और देश के हितों की पूर्ति करता है तो ऐसे कदम में कुछ भी गलत नहीं है। इसके अलावा सीएम योगी ने इसी साल 15 फरवरी को एक ट्वीट करते हुए लिखा था कि भारत हिंदू राष्ट्र है क्योंकि भारत का हर नागरिक हिंदू है। भारत हिंदू राष्ट्र था और आगे भी रहेगा। सीएम योगी के इस ट्वीट के बाद पूरे देश में एक बहस भी छिड़ गई थी, जिसके बाद कहा जाने लगा कि अब जल्द भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा, क्योंकि सीएम योगी जैसा नेता हिंदू राष्ट्र पर इस तरह बयान देता तो ये एक बड़े संकेत के तौर पर देखा जाता है। तो ये रही अभी सीएम योगी के बयानों की बात, जिसमें हिंदू राष्ट्र की झलक साफ दिखाई देती है। लेकिन अगर कांग्रेस का ही कोई बड़ा नेता हिंदू राष्ट्र का समर्थन करे तो हर किसी का चौंकना भी लाजमी है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस विधायक अनीता शर्मा ने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आह्वान किया था और इसके लिए सभी को आगे आने को कहा था। विधायक अनीता शर्मा ने कहा था कि हम जहां भी हैं, हमें हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेना चाहिए, हमें हिंदुओं के लिए बात करनी चाहिए और ये तभी संभव है जब सभी हिंदू एक साथ आएं। हालांकि अनीता के हिंदू राष्ट्र के आह्वान पर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने चुप्पी साध ली थी। तो वही जब हवन पूजा के बाद पीएम मोदी ने सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया था, तब ये चर्चा तेज होने लगी थी कि पीएम मोदी ने हिंदू राष्ट्र की नींव रखती है। यही नहीं बल्कि बागेश्वर धाम के वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भी आए दिन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर बयान देते रहते हैं। उनका कहना है कि भारत हिंदू राष्ट्र तो पहले से है, इसकी औपचारिक घोषणा बाकी है। इसके अलावा एक महीने पहले ही साध्वी रतंबरा ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन करते हुए कहा था कि देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनने से पहले हिंदुओं को हिंदू होने का अर्थ समझना चाहिए, जो बहुत जरूरी है, जिससे वो अपने को सही तरीके से हिंदू मान सके, हिंदू राष्ट्र को बनाने में आगे आ सके। वही उन्होंने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की भी वकालत की थी। इन सब के अलावा हिंदू संगठनों के नेता भी हिंदू राष्ट्र की मांग करने के लिए आए दिन सामने आते रहते हैं। लेकिन अब माना जा रहा है कि यूसीसी के साथ ही हिंदू राष्ट्र की मांग भी तूल पकड़ने वाली है। चलिए अब जानते हैं कि यूसीसी लागू होने से क्या फायदा होगा और देश में क्या क्या बदल जाएगा, और खुद को मुसलमानों का ठेकेदार मानने वाले इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। दरअसल यूसीसी को आसान भाषा में कहें तो एक देश एक कानून। अभी शादी, तलाक, गोद लेने के नियम, उत्तराधिकारी संपत्तियों से जुड़े मामलों के लिए
सभी धर्मों में अलग अलग कानून है, समान नागरिक संहिता आती है तो फिर सभी के लिए एक ही कानून होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म जाति का ही क्यों ना हो। अब सवाल ये है कि यूसीसी लागू होने से क्या बदल जाएगा। दरअसल हिंदू सिख जैन और बौद्ध के पर्सनल मामले हिंदू मैरिज एक्ट से चलते हैं, मुसलमानों ईसाइयों पारसियों के अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। ऐसे में अगर समान नागरिक संहिता लागू होती है तो सभी धर्मों के मौजूदा कानून निरस्त हो जाएंगे। सभी धर्मों में फिर शादी तलाक गोद लेने उत्तराधिकार और संपत्तियों से जुड़े विषयों पर एक ही कानून होगा। सबसे बड़ा असर इसका ये होगा कि हिंदू सिख ईसाई बौद्ध पारसी और जैन धर्म में एक शादी की ही इजाजत है। दूसरी शादी तभी कर सकते हैं जब पहली पत्नी या पति से तलाक हो चुका हो, लेकिन मुस्लिमों में पुरुषों को 4 शादी करने की इजाजत है। यूसीसी आने पर बहुविवाह पर रोक लग जाएगी। इसके अलावा इसका असर तलाक पर भी पड़ेगा। हिंदू समेत कई धर्मों में तलाक को लेकर अलग अलग नियम हैं। तलाक लेने के आधार अलग अलग हैं। तलाक लेने के लिए हिंदुओं को 6 महीने तो ईसाइयों को 2 साल तक अलग अलग रहना पड़ता है, लेकिन मुस्लिमों में तलाक का अलग नियम है। यूसीसी आने पर ये सब खत्म हो जाएगा। गोद लेने के अधिकार पर भी इसका असर पड़ेगा। मसलन मुस्लिम महिलाएं बच्चा गोद नहीं ले सकती, लेकिन हिंदू महिलाएं बच्चा गोद ले सकती हैं। यूसीसी आने से सभी महिलाओं को बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। इसके अलावा संपत्ति के अधिकार पर भी इसका प्रभाव होगा, क्योंकि हिंदू लड़कियों को तो अपने माता पिता की संपत्ति में बराबर का हक है, लेकिन पारसी लड़की अगर दूसरे धर्म के पुरुष से शादी करती है तो उसे संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है। यूसीसी आने से सभी धर्मों में उत्तराधिकार और संपत्ति के बंटवारे से जुड़ा एक ही कानून होगा, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से वैसे तो हर धर्म के लोगों को फायदा होगा, लेकिन सबसे बड़ा फायदा मुस्लिम महिलाओं को होने वाला है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उनके सहयोगी संगठन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, इसीलिए वो नहीं चाहते कि यूसीसी मुसलमानों की ठेकेदारी करने वालों को लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार की बात है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अब देखना यह होगा कि यूसीसी कब और कैसे लागू होता है। नमस्कार। इसको धर्म से ना जोड़ा जाए ना, एक जेंडर इक्वालिटी जो जेंडर इक्वालिटी सबको समान दर्जा देने वाली बात आ गई है। और मुझे भी ये लगता है कि भाई अगर डाइवोर्स है ठीक है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होना चाहिए जिस कंट्री में आप हो। लोगों में हो रहा है ठीक है, दो लोगों में हो रहा है वो डाइवोर्स, उसमें रिलीजन तो कभी वो होना ही नहीं चाहिए कि इस रिलीजन में अलग वो होना चाहिए, प्रोसीजर इसमें अलग है इसमें, वो होना ही नहीं चाहिए। और सबसे पहली बात है कि इक्वालिटी होनी चाहिए और बराबर लोगों को वो मिले, सम्मान मिले। ये तो कोई लॉजिक नहीं है, 4-4 शादी की अनुमति है किसने दी, मतलब ये है ना, मतलब चलो जो भी है अगर किसी भी तरीके से, लेकिन आप एक कॉन्स्टिट्यूशन में रह रहे हो तो आप वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करोगे। और ये कॉन्स्टिट्यूशन आएगा तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें फिर जल्द ही मतलब कि अगर कोई कानूनी कार्रवाई भी होती है तो जल्द ही सॉर्ट आउट भी हो सकती है, क्योंकि पता है कि इस लॉ के अंतर्गत होना है। बहुत सारी चीजें हैं और यूसीसी से किसी का नुकसान नहीं है, सबको एक रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन सिर्फ उनको है जिन्होंने शुरू से औरतों को रखा ही ऐसे है, समझ रहा है कि मेल क्या बोलते हैं। एक डिबेट देख रहा था मैं, उसमें ये बोला गया था कि आप, वो ये बोला था कि आप खुद तो अंग्रेजों के सूट बूट पहन के टाई वाई लगा के बैठ जाते हो, औरतों को लेकिन सिर्फ बुरके में ही रहना है। समानता की बात आती है, आप तो फॉरेन कल्चर भी फॉलो कर रहे हो एक तरीके से पहनावे के हिसाब से, लेकिन जहाँ लेडीज की बात आती है तो उनके लिए बहुत ज्यादा वो कह देते हैं। तो समानता की बातें, चाहे वो ट्रिपल तलाक को लेकर बात हुई है या जो भी मामला है, और प्लस 300 और एक चीज है, मतलब मोदी जी ने बहुत सारी चीजें करी हैं, जैसे 370 हटाया। आलोचना करने वाले करेंगे, ओपोजिशन वाले हो चाहे बाहरी ताकतें, जो वर्ड होता है, क्योंकि उनको तो मुद्दा चाहिए कई बार की भैया नहीं, हम अभी ये कुछ हुआ है तो इसके फेवर में तो सभी हैं, हम हाईलाइट कैसे होंगे, हम हाईलाइट कैसे होंगे। टू बी फ्रैंक, वो हाईलाइट होता है ना बुक में, सारी एक जैसी लाइन दिखती है, येलो मार्कर लेके हाईलाइट, ये अलग लाइन है, ये इंटरेस्टिंग है, या फिर ये कुछ हटके है, तो वो वाली बात आ जाती है। बाकी मुझे ये लगता है कि भैया यूसीसी आना चाहिए और अच्छे से इम्प्लीमेंट हो और पारदर्शिता रहेगी, उससे सबको सम्मान मिलेगा, एक लॉ रहेगा और देश और बेहतर स्मूथ फंक्शनिंग के साथ चल सकता है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।